ये देखिए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि शुरुआत की ठंडी में आपको किस तरह से मेजरमेंट लगाना होता है ताकि आप अच्छे से बना सके पानी पूरी, आपके अच्छे से ठंड में भी फूल सके। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, आपको मेजरमेंट का कंप्लीट जो है समझना होगा किस तरह से आपको ठंडियों में बनाना चाहिए गोलगप्पे, ठीक है। इस टाइम पे सर्दी शुरू हो गई है। तो दोस्तों देखिए, मारुति भोग की सूजी भी है और मारुति भोग का आटा भी है, तो आप खुली वाली सूजी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आटा लेकिन आपका जो होगा ये पैकेट वाला होगा, पैकेट वाला मतलब मील का आटा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। इसमें चलने पे कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्रेश आटा है, तो ये हमारा 1 केजी आटा है। तो 1 केजी आटे में इस टाइम का मेजरमेंट जो होने वाला है, वो 1 केजी आटे में हमारा जो है ये आधा केजी सूजी डालेगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इसी में सूजी मिला रहा हूँ आधा केजी। और आधा केजी सूजी मिलाने के बाद सबसे बड़ी चीज़ आपको ये करना होगा, अब 1 केजी में आधा केजी ऐसे मीठा सोडा डालना होगा, तभी पानी पूरी आपकी अच्छे से फूलेगी। तो दोस्तों चलिए, हम पानी पूरी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मेजरमेंट जितना भी उन्हें डाल रखा है कंप्लीट ऐसे। तो इस तरह से आपको मिक्स करना पहले अच्छे से, ठीक है। जब तक आप अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तब तक पानी पूरी आपकी बढ़िया नहीं बनेगी, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से फटाफट हमने जो है मिक्स कर लिया है। तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग, कि स्टेप बाय स्टेप आप तरीका फॉलो करेंगे तभी पानी पूरी आपकी अच्छी बनेगी। जैसे कि मैंने नॉर्मल पानी डाला है, बिल्कुल मीडियम में, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फॉलो ये करना है आपको, सेम टू सेम तरीके से ही बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सबसे बड़ी चीज़ यही। क्योंकि आप लोग किसी और का वीडियो देखते हैं, कॉल मुझे करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा प्लीज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वरना मैं कोई जवाब नहीं दूंगा आपका किसी भी सवाल का, ठीक है। तो पहले आप वीडियो कंप्लीट देखें, उसे समझें, फिर उसके बाद में जब हमारे तरीके से ट्राई करें सेम टू सेम, नहीं बने फिर कॉल करें आप, आपको 100% सीखने का पूरा पूरा चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, सब सीख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें आटा लगाना होता है, आपके सामने देख सकते हो। बस ध्यान रखना, बड़े बर्तन में नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, आटा में सूखा लगा, पानी डाल दिया, फिर से मिक्स। इस तरह से आटा आपको कंप्लीट लगाना होता है। तो लास्ट में और पानी डालूंगा, छींटे मार के कंप्लीट आटा हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, जितना भी सूखा आटा है सारा का सारा सूखा आटा हमारा खत्म, क्योंकि मुझे पूरा पूरा परफेक्ट अंदाज होता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, एक साथ नहीं डालिएगा, जैसे कि मैंने एक साथ नहीं डाला। एक साथ तभी डालना है जब आपको पूरा कंप्लीट हाथ सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे जो है थोड़ा सा छींटा लगाना है पानी ज़्यादा, ठीक है। जब ज़्यादा कम छींटा लगाना आप जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका बढ़िया डो बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो दोस्तों कंप्लीट हमारा डो रेडी हो चुका है। ये देखो हो गया कंप्लीट। अब इस आटे को हमें 4 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। आप देख सकते हो ज़्यादा टाइट नहीं है ना, ज़्यादा नॉर्मल है। इसी पॉलीथिन के अंदर हम इसको ढक देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 घंटे के लिए आटा तो रखना है, क्योंकि मेरे यहाँ जो है ना ठंड अभी कम है, शुरुआत है, यानी कि सर्दी शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसका मैं वीडियो बना दूंगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसका वीडियो जो मैंने कंप्लीट बनाया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों के यहाँ बिल्कुल हल्की सी सर्दी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, उन लोगों की पानी पूरी नहीं फूल पाती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और दोस्तों सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली दोस्तों इन एडवांस आप सभी लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा वीडियो को अच्छे से अच्छे लोगों के पास, ताकि आपकी वजह से वो कोई बिजनेस अच्छा सा स्टार्ट कर सकें पानी पूरी से रिलेटेड। अगर वो सोच रहे हैं तो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, और कमेंट्स में जाकर दोस्तों हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखिएगा।
तो हमारे 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे के बाद मैं आटे को बाहर निकालता हूँ, दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बढ़िया परफेक्ट आटा हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इसको हम ऐसे दबा लेंगे एक बार और अच्छे से। तो दोस्तों इस चाकू की मदद से देखिए हमने ऐसे छोटा छोटा रोल काट लिया, ठीक है। आप चाहें तो 20 से भी काट सकते हैं, लेकिन छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे पहले, ऐसे सूखा आटा डाल के इसको पूरा मिक्स करके उसी पॉलिथीन में हम रख देंगे ताकि ये आपस में चिपके भी ना और हमारा काम अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों एग्जाम्पल इस पे जो है मैं बताऊंगा कि आपको एक रूल से कैसे समझा सकता हूँ, किस तरीके से आप लोई काट सकते हैं। इस तरह से गोल करें और यहाँ से 1 इंच में ऐसे टुकड़ा ले लीजिए, कट जाएगा ये, इस तरह से खींचना है ऊपर को, ठीक है। आसानी से लोई आप ऐसे काट सकते हैं। और इसको कैसे रखना है, इसमें तेल लगाना है या नहीं लगाना है और कितना क्या लगाना है वो सारा का सारा मैं बताऊंगा अभी। तो दोस्तों देखिए इस तरह से लोई काट ली, काटने के बाद भी इसमें से हल्का सा आटा लगाना है, तेल नहीं लगाना है। इस तरह से इसको रोल कर लेना है ताकि ये अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए लोइयाँ और एक साथ चिपके ना। तो दोस्तों ये देखिए कंप्लीट हमारी जो है लोई में आटा लग चुका है। हम क्या करेंगे, इस पॉलिथीन के अंदर इसको हम पैक कर देंगे और इसको बहुत देर के लिए मैंने नहीं रखना है, बस जब तक आप लोई काटेंगे तब तक आप इसको रख देंगे, ठीक है। जैसे लोई कट जाएगी आपको बेलना स्टार्ट करना है। अगर आप लोई काट ज़्यादा काट रहे हैं, लोग बेलने वाले हैं आपके पास, तो आप उनको एक ऐसे पॉलिथीन में पैक करके दे दें कि आप बेलना स्टार्ट करो, मैं लोई काट रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बेलने से मैं बताऊँगा आपको किस तरह से बेलना चाहिए। देखिए ये हमारी 3 नंबर मशीन है और 3 नंबर मशीन हमारी बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है, तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, देखिए कितनी बढ़िया हमारी पानी पूरी बढ़िया साइज में आ गई है। फटाफट इसी तरह से दाबते रहना है, या तो बेलाई करते समय इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी पूरी आपकी पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितनी पतली होनी चाहिए वो आपको दिखाते हैं हम। सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, आप लोग बिलाई में करते हो। तो ये देखिए दोस्तों, जो लोग नहीं बना पाते उनकी गलतियाँ बिलाई में होती है। बिलाई मोटी हो जाती है तो उनकी पानी पूरी नहीं फूलती है, फिर फूलती है लेकिन नरम हो जाती है। दोस्तों रखने का तरीका ये है हमारा, जो एक एक ऐसे करके लाइन लगाएंगे, ये सूखा कपड़ा है, गीला नहीं है, इसी कपड़े से ढक देंगे, फिर से लेयर लगाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको बेलना है और बाकी का मैं प्रोसेस आगे बताऊंगा फ्राई करते समय। फ्राई करते हैं तो देखिए इस तरह से हमने बेलकर पूरा कंप्लीट बंद करके रख दिया इसी कपड़े, सूखे कपड़े से ही। तो दोस्तों इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको, सूखा कपड़ा रखना है हर जगह पे, गीला नहीं रखना है। और ये हमारी जो बड़ी सी पॉलिथीन रहती है इसी से हम ढक देंगे। ढकने के बाद में इसको बहुत देर नहीं रखना है, बस तेल गर्म करने के लिए रख देना, तेल गर्म हो जाए फ्राई करना स्टार्ट कर देना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और तेल कितना हीट होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है जानना आपको, और तभी आपकी पानी पूरी बढ़िया क्रिस्पी और फूली फूली बनेगी। तो बताते हैं आपको कैसे फ्राई करना है। दोस्तों देख सकते हैं तेल किस तरह से हमारा गर्म हो चुका है कंप्लीट बिल्कुल। तो हम पहले एक पीस फिर भी डालकर चेक करेंगे तेल हमारा कितना गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए एक पीस हमने डाला और पानी पूरी हमारी अच्छे से फूलेगी अभी, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूली है, 1% किसी भी लेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं आप। ये देखिए अब बाकी की हम पानी पूरी फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बढ़िया फूलेगी। आप लोगों को भी सेम टू सेम तरीका रखना है तो सेम टू सेम पानी पूरी बनेगी। और ठंड में इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया सिर्फ वही ट्राई कीजिएगा, उसमें कुछ अलग मत कीजिएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं वो भी, जो लोग बिल्कुल पुराने हो चुके हैं वो भी, देख सकते हो आप किस तरह से बढ़िया हमारी गोलगप्पे फूल रहे हैं। ये देखें ये है तरीका बनाने का। ठंडियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी पूरी बनाने में, ठंडियों में भी बेस्ट पानी पूरी बनती है और ये नरम भी नहीं होगी। चलिए दिखाते हैं आपको अभी ये कितना क्रिस्पी क्रंची है। हम दूसरा घान भी डालते हैं। ये देखो पूरा भर के घान अच्छे से मैंने डाला, दूसरा घान भी हमारा कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो रहा है। ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है इस पानी पूरी में,
ये देखिए दोस्तों, दिखाते हैं अभी आपको कि कितना क्रिस्पी क्रंची है। थोड़ा सा तेल हमारा ठंडा हो चुका था, हम वेट करेंगे, 2 घंटे में ही तेल हमारा ठंडा हो गया है। तो आप लोगों को भी इस तरह से ध्यान देना होगा कि जब तेल ठंडा हो जाएगा तो आपको पानी पूरी नहीं फ्राई करने में डालना है, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा गर्म होने का। दोस्तों देख सकते हैं कितना क्रिस्पी क्रंची है, आप लोग देख सकते हैं अभी गर्म है फिर भी क्रिस्पी क्रंची है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बनाइएगा सेम टू सेम तरीके से, तो पानी पूरी आपकी अच्छी बनेगी और क्रिस्पी क्रंची बनेगी। तो तेल हमारा इसी तरह से हीट होता जाएगा, हम फ्राई करते जाएंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, नमस्कार।